इस क्वेश्चन में हमें 5 रजिस्टर दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पहला, और दूसरा पूछा जाता है इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो हम देख पा रहे हैं 2 रजिस्टर की ओर, R1 और R2, ये दोनों रजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, और हम पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1/ में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 प्लस का R2, राइट। अब क्या करना है, R1 की यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, R1 की वैल्यू अपनी 10 ओम, सेकंड R2 की वैल्यू है अपनी 40। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, देखो 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 40, और 10 के टर्म में 40 कितनी बार पे आता है, 4 टाइम पे, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, और 40 के टर्म में 40 कितनी बार पे आता है, 1 बार पे, तो 5/ में 40 जो कि कैंसिल आउट होके 8। तो यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का बना क्या हमारा 8 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू कितना आया, 8 ओम। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम, इस दूसरे वाले कंडीशन में R3, R4 और R5 ये भी अपना कनेक्टेड किस में है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। तो हम क्या करते हैं, 1/ में R3 प्लस का 1/ में R4 प्लस का 1/ में R5 पुट करते हैं। अब R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 30 ओम, R4 की वैल्यू 20 ओम और R5 की वैल्यू 60 ओम। अगर हम 30, 20 और 60 का एलसीएम लेते हैं तो अपना आएगा 60 ओम, राइट। तो 30, देखो 30 के टेबल में 60 कितनी बार पाता है, 2 टाइम पे, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आया, 2। 20 के टेबल में 60 कितने बार पे आता है, 3 टाइम पे, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो आएगा हमारा 3। वैसे 60 की मल्टीप्लाई कितने में करें, 1 में करेंगे तो आएगा 60, इसलिए हम ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर प्लस करने पर आया 6, नीचे आया 60, कैंसिल आउट होके आया 1/10। अब देखिए आप, यहाँ पर हमने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हमारे यहाँ की वैल्यू कितनी आई, और 10 ओम। देखिए ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस वाले में R डबल डैश कर देते हैं इधर, ताकि अपने को आगे प्रॉब्लम ना हो, और इधर हम R डैश, सिंपल सा। अब अपने को टोटल रेजिस्टेंस पूछा था क्वेश्चन में, कहा था कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ पूरे सर्किट में कितना होगा, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बैटरी से करंट निकला हमारा I, राइट, पूरे इन दोनों दोनों रजिस्टर पे गया, हमने निकाल लिया 8 ओम का आया इधर, यानी कि यहाँ से करंट निकला, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, और फिर जाके ऐसे मुड़ के इस तरह आया, दोबारा रजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड, एक रजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये दोनों अब जो कनेक्टेड है पूरे एक लाइन में, तो आ रहा है ये पूरी लाइन में तो आ रहा है, तो ये जो है अपना सीरीज में हो गया, तो R-P प्लस का R डबल डैश P, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा, तो 8 ओम प्लस का 10 ओम कितना होगा मिला के, 18 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। अब आपसे दूसरा पार्ट पूछा जाता है कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा पूरे सर्किट के अंदर। देखो ये हमारा वोल्टेज सप्लायर है बैटरी, ये करंट कुछ निकालेगा, अब करंट निकाला, रेजिस्टेंस पता है, मैंने आपको बताया था करंट और रेजिस्टेंस में का अगर कोई रिलेशन बना है तो ओम्स लॉ ने बताया, वो ओम्स अंकल जी ने क्या बताया, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR होता है भाई। वोल्टेज कितना सप्लाई दिया था इसने, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी जो कि गिवन है। करंट हमको निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 18, और ये 18 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो 12/ में 18 कितना आएगा, आई, इसे कैंसिल आउट हुआ तो 0.66 आएगा हमारा एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया पूरे सर्किट में, 0.66।